رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إرشاد پروردگار عالم، قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا بس ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر رجس و کثافت کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ خطاب، یہ ارشاد ان مقدس اور پاک و پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں اور ان کے لیے ہے جنہیں خالق نے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ صرف نور خدا ہی نہیں بلکہ مظہر اوصاف خدا بھی، جو صفات، الہی صفات کہلاتے ہیں، وہ ان میں پائے جاتے ہیں. بے جان کو جان دینا اللہ کا کام ہے. یہ اگر کلام کرنے لگیں تو پتھر بولنے لگتے ہیں. عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ درخت نہیں بولتے، پتھر نہیں بولتے، جبکہ یہ بہت قدیم فلسفہ ہو چکا. حقیقت تو یہ ہے کہ درخت بھی بولتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرنے والا ہونا چاہیے. اگر ان کی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، ان کی زبان کو سمجھتا ہے تو اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. پروردگار نے پتھروں کو حکم یہی دیا ہے کہ تم خاموش رہو، درختوں کو حکم یہی دیا ہے کہ تم کسی سے بات نہ کرو، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ بالکل نہ بولنا، بلکہ اس سے بولنا جس سے ہم چاہیں، جو ہمارا نمائندہ ہو اس سے گفتگو کرنا، اس سے بات کرنا. ورنہ سنا ہے کہیں پتھروں کو بولتے ہوئے، لیکن جو نمائندہ الہی تھا اس کے ہاتھ پہ تسبیح کرنے لگے، اس کے سامنے ذکر خدا کرنے لگے. حیوانوں کو بولتے ہوئے کہیں سنا ہے، پیغمبر خدا کی مثال نہیں؟ پیغمبر خدا تو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں. اس گھر کے تو بچے بھی حیوانوں سے گفتگو کرتے ہیں، اس گھر کے بچوں کی بھی بات حیوان سمجھتے ہیں. فرزند رسول ہی اپنے بیت الشرف میں تشریف فرمائے
चंद चाहने वाले भी बैठे हुए हैं। देखने वालों ने देखा एक परिंदा फरजंदे रसूल के पास आया, कुछ कहा और फरजंदे रसूल ने उसकी बात का उसी की जबान में जवाब दे दिया, चला गया ये परिंदा। लेकिन बैठे हुए लोगों ने पूछा, मौला हम तो न समझ पाए इसने क्या कह दिया, आपने क्या जवाब दे दिया। कहा कि तुम समझते कहाँ से, इसकी बात तो वो समझेगा जो हैवानों की जबान पे भी काबू रखता हो, जो हैवानों की जबान को भी जानता हो, जिसे हैवानों की जबान का भी इल्म हो। अल्लाह ने मुंतखब फरमा लिया इन अफराद को, इन हस्तियों को, और इनको मुंतखब फरमाने के बाद फिर उसने अपनी खिलकत पे नाश फरमाया, उसने अपनी खिलकत पे नाश फरमाया। सोचिए तो सही, अगर कोई आपके यहाँ इस शहर में फेयर लगे, मेला लगे, नुमाइश लगे, उस नुमाइश में तस्वीरें आवेदा कर दे कोई मुसव्विर, कोई फोटोग्राफर तस्वीरें अपनी लटका दे लाकर, और वो ये कहे कि तस्वीर मैंने जितनी बनाई है सबसे अच्छी तस्वीर है, इतना ही नहीं बल्कि वो ये कहे कि मेरी तस्वीर का मुकाबला कोई कर सकता हो तो करे, मेरी तस्वीर जैसी तस्वीर कोई बना सकता हो तो बनाए, यानी अपने को माहिर तरीन फोटोग्राफर साबित करने की कोशिश करे। और जब आप जाकर देखें तस्वीरें तो तस्वीरों में नजर आए कि एक हाथ बड़ा है तो एक हाथ छोटा, इंसान के पैर आगे को होते हैं, उसके पैर पीछे को बने हो, एक टांग लंबी हो एक टांग छोटी, तो आप कहेंगे इससे बढ़कर ऐब क्या होगा, दोनों हाथ बराबर नहीं, दोनों पैर बराबर नहीं, पैर बजाय आगे के पीछे को नजर आते हैं। या इसी तरह का कोई भी नक्श अगर तस्वीर में पाया जाए तो इंसाफ से बताइए क्या हक है इस मुसव्विर को ये कहने का कि हम जैसा कोई फोटोग्राफर इस शहर में हो तो आए। नहीं, अगर ये कह रहा है तो कहने वाला कह तो सकता है, मगर जब साहिबाने अक्ल व शऊर देखेंगे तो वो कहेंगे किस चीज पे नाज है, इस तस्वीर के तो हाथ भी बराबर नहीं, इस तस्वीर के तो पैर भी बराबर नहीं, इस तस्वीर की तो आंखें भी बराबर नहीं। यानी अगर नक्श होता है तो चैलेंज करने का हक नहीं होता। जब परवरदिगार ने फरमाया फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, हम बेहतरीन पैदा करने वाले हैं, किसको खल्क करके फरमा रहा है, फरिश्तों को, हैवानात को, जमादात को, नबातात को, इंसान, और वो भी इंसान कैसा, मुझे ऐसा दो हर्फ जानने वाला इंसान ये समझ बैठा कि मेरे ही बारे में परवरदिगार ने फरमाया है, इसलिए कि इंसान तो मुझे भी कहा जाता है, इंसान तो आपको भी कहा जाता है। लेकिन जब ये नुमाइश में पहुंची तस्वीर तो पता चला कि इसमें तो गीबत जैसा ऐब मौजूद है, इसमें तो हसद जैसा ऐब मौजूद है, ये तो नमाज के करीब भी नहीं जाता, ये तो रोजे के करीब भी नहीं जाता। तो परवरदिगारा इस नाकिस इंसान पर तो फख्र फरमा रहा है फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन कि हमारे जैसा कोई पैदा करने वाला हो तो आए, पैदा करके दिखाए। कुदरत ने आवाज दी, सुनो जिसकी फिक्र पस्त होती है वो पस्त ही बातें सोचता है, जिसकी फिक्र पस्त होती है वो पस्त ही बातें सोचता है। अपने को पस्ती से निकालो, बुलंदियों की तरफ आओ, रिफातों की तरफ आओ, आजमतों की तरफ आओ। पालने वाले कौन है वो, कहा कि वो ऐसी जवात हैं कि रिस उनके करीब नहीं जा सकता, कसाफतें उनके करीब नहीं जा सकती, कुफर उनके करीब नहीं जा सकता, शिर्क उनके करीब नहीं जा सकता, निफाक उनके करीब नहीं जा सकता, ऐब उनके करीब नहीं जा सकता, बुराई उनके करीब नहीं जा सकती। वो तो ऐसे बहरे तहारत हैं कि वो खुद भी पाक हैं, दूसरों को भी पाक करते हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उनके लिए फरमाया कि हम पाक को पाकीजा रखना चाहते हैं, और उन्हें लफ्ज़े अहले बैत से याद फरमाया परवरदिगार, अहलुल बैत इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुम रिस्सा अहलुल बैत। ये अहलुल बैत जो है, बैत के माना है घर, बैत के माना अरबी में बैत कहते हैं घर को, अहलुल बैत यानी घर वाले।
आप घर वाले नहीं है, भले ही किराए का हो, हैं तो घर वाले, तो किसके लिए कह रहा अल्लाह? बैत वालों के लिए नहीं कह रहा है, बैत वाला तो आप भी हैं मैं भी हूं, बैत वाले के लिए नहीं, अल बैत वाले के लिए कह रहा है। अल बैत का मतलब यह कि हर घर नहीं, खास घर, खास घर, खास घर वाले। खास घर वाले कौन? कुरान मजीद की सिफत है अल कुरान युफस्सिर बाज़ुहू बाज़ा, कि कुरान मजीद को अगर समझना है तो तौरात से समझ में नहीं आएगा, जबूर से समझ में नहीं आएगा, इंजील से समझ में नहीं आएगा, बल्कि अल कुरान युफस्सिर बाज़ुहू बाज़ा, कुरान मजीद की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। अगर अल बैत को समझना है तो दूसरी आयत का मुतालिया करके देखिए। दूसरी आयत आई इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकं वहुदल लिलआलमीन, सबसे पहला घर जो अल्लाह ने लोगों के लिए बनाया है वो कौन सा है? वो मक्के में है जो लोगों की हिदायत करता है। अल्लाह ने सबसे पहला घर बनाया लोगों के लिए, कौन लोग? आपके लिए बनाया, मेरे लिए बनाया, जाके चंद लम्हे वहां गुजार कर खाने काबा की ज़ियारत करके इंसान ये समझता है शायद मेरे ही लिए बनाया, नहीं, ये बैत अहलल बैत के लिए बनाया है, हर एक के लिए नहीं बनाया। बनाया गया ये घर, सबसे पहला घर बनाया गया, यहां अहले बैत की तहारत के लिए ऐलान किया, तो अब बैत की तहारत का भी ऐलान होना चाहिए। इसलिए उसने फरमाया वाहिदना इला इब्राहिमा व इस्माइला अंतहरा बैतिया लिताएफीना वला केफीना वर्रुका इस सुजूद, हमने अहद लिया, किससे लिया? इब्राहिम से। अहद लिया, किससे लिया? इस्माइल से। इब्राहिम भी नबी, इस्माइल भी नबी, बाप और बेटा दोनों के दोनों खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे हैं। आम तौर से यह समझा जाता है कि जनाब इब्राहिम ने खाने काबा बनाया, जनाब इस्माइल ने खाने काबा बनाया, बनाया नहीं, बन तो पहले ही चुका था, ये दीवारों को बुलंद कर रहे थे, बुनियाद तो पहले ही रखी जा चुकी थी, घर का तायुन तो पहले ही हो चुका था, घर कायम तो पहले ही हो चुका था। वरना कुरान मजीद कहता कि जब इब्राहिम ने घर बनाया, कुरान ये नहीं कह रहा, बल्कि कुरान कहता वाइज यरफा इब्राहिम उल कवायदा, याद करो मेरे रसूल उस वक्त को जब इब्राहिम दीवारें बुलंद कर रहे थे, यानी मकान की बुनियाद तो पहले पड़ चुकी थी, दीवारें बुलंद की इब्राहिम और इस्माइल ने, अब जब इब्राहिम और इस्माइल ने दीवारें बुलंद की, अल्लाह ने अहद लिया इस घर को पाक रखना। यह आपने मस्जिद तामीर कराई, गैर मुसलमीन ने बना दी, अब आप कह सकते इस घर को पाक कर लिया जाए? है? और अगर बनाने वाले सब मोमिन हैं तो निजासत का इम्कान ही नहीं है, निजासत का तसव्वुर ही नहीं है। यहां मोमिन नहीं, नबी है, खलील खुदा है, रसूल है, इमामत के दर्जे पे फाइज है, बनाने वाला इतना पाको पाकीजा, फिर भी अल्लाह फरमा रहा है कि इस घर को पाक रखना। किसके लिए पाक रखना? मैंने अर्थ किया कि चंद लम्हों के लिए जाकर समझे, हमारे लिए नहीं। उसने कहा लिताएफीन वलाकेफीन, ताएफीन तवाफ करने वालों के लिए। आप भी हज करने के लिए गए हैं, जाके वहां तवाफ किया, जो नहीं पहुंच सके अल्लाह करे वो हज की सआदत से मुशर्रफ हो। जो भी खाने काबा के करीब जाता है सबसे पहला उसका काम यह है कि तवाफ करे। तवाफ किया, अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरा घर पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए। आपने तवाफ किया, आप भी उसके मिसदाक बन गए। मैंने तवाफ किया, मैं भी मिसदाक बन गया। दूसरों ने तवाफ किया, दूसरे भी कह सकते हैं कि हमारे लिए आयत आई, मगर आयत यहीं खामोश नहीं हुई। लिताएफीन तवाफ करने वालों के लिए पाक रखो। यहां ऐसे ऐसे तवाफ करने के लिए आते हैं जिनका नफ्स तो क्या पाक होगा, माल तक पाक नहीं होता।
इनके लिए पाक करा रहा है, इनके लिए पाक रखने का हुक्म दे रहा है कि मेरे घर को पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए। मगर चंद लम्हे के लिए जाकर मुसलमान ये समझा कि मैंने तवाफ किया लिहाजा मेरे लिए, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि तवाफ करने वालों से मुराद हम ही हैं। लित्ताइफीना वलाकिफीन, एतकाफ करने वालों के लिए। बात को यहीं रोक कर आगे बढ़ जाऊं, इस बात को बाद में वाजे करूंगा। एतकाफ करने वालों के लिए, वर रुक का इस सुजूद, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, जो भी गया तवाफ किया, दो रकत नमाज तवाफ वाजिब, रुकू किया, सजदा किया, सबने यह समझ लिया हमारे लिए। लेकिन एतकाफ क्या है? एतकाफ क्या है? कोई भी हाजी हो, कितनी ही दूर दराज से कितनी ही जहमतें बर्दाश्त करके गया हो, कितने ही खुलूस से हज किया हो, कितना ही पाको पाकीदा पैसा सर्फ किया हो, कोई बता दे कि मैंने जाके खाने काबा में एतकाफ किया है। एतकाफ का मतलब क्या है? एतकाफ का मतलब यह है कि कम से कम 3 रोज, एक नहीं कम से कम 3 रोज खाने काबा के अंदर रहे, खाने काबा के अंदर रहे। और रहना ही काफी नहीं है बल्कि वहां बैठकर इबादत करे, वहां बैठकर इबादत करे। अब कोई दुनिया का मुसलमान बताए कि मैं गया था हज करने के लिए, मैंने एतकाफ भी किया, मैं गया था इब्तदाए कायनात से लेकर आज तक। तो इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद की आयत तो है, मिज़दाक नहीं है। इस आयत का मिज़दाक है कोई या नहीं? सारी तारीख तलाश कर ली, तारीख इस्लाम तलाश की, मुसलमान तवाफ करके आ गया, रुकू करके आ गया, सजदा करके आ गया, मगर एतकाफ करने वाला कोई ना मिला। एतकाफ का मतलब क्या है? कम से कम 3 रोज रहे, कम से कम 3 रोज रहे, रहे ही नहीं। अल्लाह की इबादत भी वहां रहकर करे। जब हर जगह तलाश कर लिया कोई ना मिला, दरे मुश्किल कुशा पर जाकर दक्कुल बात किया कि इस मुश्किल को आप ही आसान करें, जवाब आया घबराते क्यों, 13 रजब के करीब आ जाओ, 13 रजब आ जाओ, 13 रजब पर हम पहुंच गए। 13 रजब पर क्या मिला? क्या मिला? सारे मुसलमान हज करके आते हैं, तवाफ करके आते हैं, सजदा करके आते हैं, रुकू करके आते हैं, मगर 3 दिन खाने काबा में कोई रहा? तन्हा अली की मां को यह शरफ है, तन्हा जाते अली को यह शरफ है कि 3 रोज खाने काबा में गुजारे। और गुजारे ही नहीं, मैंने अर्ज किया कि एतकाफ इबादत शर्त है। पहचाने तहारत अहले बैत की मंजिल, पहचाने तहारत अहले बैत की मंजिल। जिस मर्तबे पर पहुंचने के बाद, जिस दर्जे पर पहुंचने के बाद, जिस मंजिल पर पहुंचने के बाद एक बीवी नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहती, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहती, उस मंजिल पर भी अहले बैत के घर की औरतें खाने काबा में बैठकर अल्लाह की इबादत। कोई सिवाय मादर अली के जो ये कह सके कि मैंने 3 रोज गुजारे, 3 शबे गुजारी, 3 दिन गुजारे, कहां? खाने काबा में।
बड़े बड़े उम्र आते हैं उनको खुश करने के लिए। कभी कभी सुनने में आता है कि फलां साहब गए तो खाने काबा का ताला खोला गया जी, खाने काबा का ताला खोल दिया गया, उन्होंने देखा झांका और वापस आ गए, झांका और वापस आ गए। कोई एक घंटे भी तो ना रहा, एक घंटे भी तो ना ठहर सका। तन्हा मादर अली को यह शरफ है कि एक रोज नहीं, दो रोज नहीं, तीन रोज गुजारे, तीन रोज गुजारे। गोया यह कहा जाए कि अली उस जात का नाम है कि आयत तो अल्लाह भेजता है, मिसदाक अबू तालिब के घर से मिलता है, मिसदाक आयत अबू तालिब के घर से मिलता है। अल बैत, मैंने अर्ज किया कि बैत कहते हैं घर को, आपको याद हो तो एक रोज मजलिस में मैंने अर्ज किया था कि अरबी जबान में एक लफ्ज के लिए कई माना होते हैं और कई माना के लिए एक लफ्ज होता है। मिसाल दी थी जैसे ऐन है, अब तो आंखें बंद ना होना चाहिए किसी की, देखिए मैं अपना मिजाज बताऊं आप, आपका तो जो मिजाज है वो है ही, आप तो दीवार से टेक लगा के बैठने का मिजाज रखते हैं, आंखें बंद करके सुनने का मिजाज रखते हैं, मेरा मिजाज है आंखें खोल के सुनाना। अरे आंखें खोल के सुने तो बात कहूं, वरना फिर मैं भी मजलिस तमाम करूं। मैं पढ़ रहा था मजलिस, हिंदुस्तान में ही, जगह का नाम नहीं लूंगा बस हिंदुस्तान कह दूं, वहां एक साहब ऐसी दो ही तो है ना जो देखिए साइकिल से गिर जाए उसे कहीं चोट लगी नहीं, बड़ी जल्दी उठता आदमी, चोट लगी नहीं नहीं, और यूं करके कमर पकड़ेगा है, मजलिस में सो जाए आदमी, कौन ही मारता बराबर वाला, सो रहे हो मौलाना देख रहे, यूं का नहीं है, यूं करके आंखें भी मलता है, कभी नहीं कहेगा कि सो रहा हूं। मजलिस पढ़ रहा था मतलब, चलिए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में मजलिस पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते मैंने देखा एक साहब सो गए, मैंने कहा या तो आंखें खोलिए तो मजलिस पढ़ूं वरना खत्म कर दूं, वो भी समझ गए कि मुझे कह रहे, कह लगे मौलाना मुझे मजलिस आंखें बंद करके सुनने की आदत है। मैंने कहा आपको बंद करके सुनने की आदत है, मुझे आंखें खुलवा के सुनाने की आदत है। अब तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे मैं बंद रखूंगा, मैं कहूंगा मैं खुलवाऊंगा, तो झगड़ा तो अच्छी चीज नहीं है, जाहिल लड़ते हैं, साहिबान इल्म शोर थोड़ी लड़ते हैं, हैं पढ़े लिखे लोग थोड़ी लड़ते हैं, मुहिब्बान अहले बैत थोड़ी आपस में लड़ते हैं, अगर लड़ रहा है तो उसे मुहिब्बे अहले बैत ना समझिएगा, हैं वो लड़ता क्यों है, मुहिब्बे अहले बैत तो लड़ता क्यों है। मैंने कहा मेरे आपके दरमियान इख्तिलाफ हो जाएगा, इस इख्तिलाफ को दूर करने का जरिया थोड़ा सा आप घट जाइए, थोड़ा सा मैं घट जाऊं, कैसे घटे, मैंने कहा एक आंख बंद कर लीजिए एक आंख खोल लीजिए बराबर से। एक साहब ने कहा अगर किसी के हो ही एक चल बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद है, अब तो चला ही गया होगा ना आपके करीब से सुलाने वाला है, एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बैत क्या चीज है। मैंने अर्ज किया कि अरबी जबान में एक लफ्ज के कई माना, जैसे ऐन के माना 70, एक माना के लिए कई लफ्ज, जैसे गजनफर यानी शेर, लैस यानी शेर, कसवर यानी शेर, असद यानी शेर, जैगम यानी शेर, लेकिन इतने शेर सबके लिए एक ही लफ्ज शेर का नहीं, हर एक में फर्क है,
अगर फर्क ना होता तो ये इतने अल्फाज ना होते। तो अगर यही मेयार और यही कानून है तो अरबी जबान में बैत के माना है घर और दार के माना, दार के माना भी घर। फिर दार और बैत में फर्क क्या है? दार और बैत का फर्क मालूम होना चाहिए। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा अहलल बैत, अहलल बैत के बजाय कह दे परवरदिगार अहलद दार, मगर दार नहीं कहता, अहलल बैत का। क्यों, किस लिए फरमाया? इसलिए कि दार और बैत में फर्क है। दार कहते हैं उस घर को जो मुकम्मल तो हो गया हो मगर उसमें किसी ने बैतूता ना किया हो, बहुत भारी हो गया, उसमें किसी ने शब ना गुजारी हो। दार कहते हैं उस घर को जो बन तो गया मगर उसमें किसी ने शब ना गुजारी। बैत कहते हैं उस घर को जिसमें शब भी गुजार ली हो, जिसमें रात बसर हो चुकी हो। अब मैं पूछता हूं परवरदिगारा, तूने फरमाया अव्वला बैतिम वज़िया लिन्नास, सबसे पहला घर, तो बैत कहा, बैत दार नहीं फरमाया? यहां तो कोई रहने वाला है ही नहीं, है ही नहीं, फिर बैत क्यों कह रहा है? कहा नहीं, मैंने इंतजाम कर दिया है, एक ऐसी जात जो इसमें एक रोज नहीं तीन शबे गुजारेगी, तीन रातें गुजारेगी, और आएगी भी वो मखसूस तरीके पर, मखसूस अंदाज से, मखसूस रास्ते से। कोई है जो ऐसे आलम में कि जब दीवार शक हो रही हो दीवार ही की तरफ बढ़े? ऐसे आलम में दीवार ही की तरफ बढ़े? नहीं, पीछे को हटता है इंसान, मगर जिसके लिए रसूल फरमा दे ये कर्रार है, जिसके लिए रसूल फरमाए ये पीछे हटना जानता ही नहीं, उसकी मां पीछे कैसे हट जाए? और जब बढ़ी आगे तो मालूम है आपको, दीवार काबा लोग कहते हैं शक हो गई, मैं कहता हूं शक नहीं हुई, मैं कहता हूं शक नहीं हुई दीवार काबा। थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं ताकि आप पूरी तरह से परेशान हो जाएं कि ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल खिलाफ है वाकया, दीवारे काबा शक नहीं हुई, फिर क्या हुआ? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, अचानक रास्ते में मुलाकात हो गई, आपने देखा कोई मुसलमान है जो आ रहा है, सिर्फ मुसलमान समझकर आपने हुक्म इस्लाम के मुताबिक मुझे सलाम किया, मैंने आपको देखा एक मुसलमान है, मैंने आपको सलाम कर लिया, इंसाफ से बताइए इससे आगे कुछ होगा? नहीं, सलाम हुआ, अलैकुम सलाम, वो आगे बढ़ गए, ये आगे बढ़ गए, लेकिन पहले से मुलाकात है, पहले से मुलाकात है, पहले से सूरज जानी पहचानी है, तो अब खाली सलामो दुआ नहीं, मुस्कुरा के इस्तकबाल होता है। खाने काबा की दीवार शक नहीं हो रही थी, अली की आमद पे खुशी में मुस्कुरा रही थी, अली की आमद पे खुशी में मुस्कुरा रही थी। इसी के लिए तो काम हो जिस संभली ने आमद अली की सिक्का जमाती चली गई, आमद अली की सिक्का जमाती चली गई, दीवार को दरीचा बनाती चली गई। मोजिज नुमा है तेरी विलादत भी या अली, काबे में चार चांद लगाती चली गई। मुस्कुरा रही है दीवारे काबा,
फातिमा बिनते सद खाने काबा में दाखिल हो गई। दाखिल हुई किस लिए दाखिल हुई? एक अमानत थी खाने खुदा की, जो खाने खुदा के सुपुर्द करना था। एक खाने खुदा की अमानत थी जिसे खाने खुदा के सुपुर्द करना था। लेकिन मैं यहीं अर्ज करता हूं कि अमानत के भी कुछ उसूल हैं, अमानत के भी उसूल हैं। आप दाखिल हुई खाने काबा में, अमानत सुपुर्द कर दी। अब सुपुर्द कर दी अमानत तो फिर उसी दर से आ जाना चाहिए था ना जो तमाम लोगों के लिए था, तमाम लोगों के लिए था। हुजूर भी वहीं जाके खड़े होते, क्या ये चचीजान मेरे भाई को मेरे हवाले कीजिए, मगर नहीं, हुजूर वहां नहीं गए। हुजूर भी इसी नए दर पर जाके खड़े हुए, लाइए चचीजान मेरे भाई को मेरे हवाले कीजिए। ये दीवारे काबा फिर मुस्कुराई, फिर मुस्कुराई। फातिमा बिनते असद बाहर आई, अब सवाल, अब हवाले कर दिया रसूल इस्लाम के। अमानत का उसूल क्या है मैं यहां जानता ही नहीं, बैंक कहां है? देखिए मिसाल दे रहा हूं, बाद में एक साहब ने यूं पूछा कि ऐसा हुआ था क्या? नहीं, मिसाल है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हाँ कहना पड़ेगा मुझे अब के मिसाल है, वरना सोचें कि अभी तेने कुछ मिला नहीं तो बैंक कहां से तलाश करते फिर रहे हैं। मैं बैंक जानता ही नहीं है, बैंक कहां है? मैंने आप पे एतबार किया, मैंने कहा लीजिए कुछ रकम मुझे मिल गई है कहीं से। आप बतौर अमानत, तवज्जो कीजिएगा एक एक बात पर, बतौर अमानत मेरी ये रकम रख लीजिए। इंसाफ से बताइए, जब पैसा लेते हैं तो दिल की कैफियत क्या होती है? आपका नहीं है, मेरा है, आपको इस्तेमाल करने का हक भी नहीं है, सिर्फ रखना है। मगर फितरत है आदमी की, लेते वक्त खुश होता है, हैं? मैंने 2 महीने बाद कहा जरा वो वापस तो फरमाइए। मौलाना कल मिल लीजिएगा, आप लेते वक्त नहीं कहा था कल दे दीजिएगा, हैं? जब मैंने मांगे तो कहा कल मिल लीजिएगा। मैंने जाने से पहले फोन किया, मैंने कहा मैं हाजिर हो जाऊं, कहा नहीं अभी तो मैं जरा शहर से बाहर हूं, स्टॉकहोम जा रहा हूं, रास्ते में हूं, कल तक वापस आऊंगा। ये क्या है, ये क्या है? ये है कि इंसान की अमानत लेते वक्त कैफियत और होती है। तवज्जो न की आपने, वापस करते वक्त कैफियत और होती है। लेकिन ये हर एक के साथ नहीं है, ये उनके साथ है जो कमजर्फ होते हैं, जो पाबंदे हुक्म इलाही हो, जो पाबंदे हुक्म इलाही हो, उनके यहां ये नहीं होता। अगर खाने काबा की दीवार भी पाबंदे हुक्म इलाही ना हो, तवज्जो नहीं कर रहे, पाबंदे हुक्म इलाही ना हो तो कौन से घर की होगी? फातिमा बिनते असद आ जाती उसी पुराने दर से, मगर नहीं, दोबारा दर खुला, दीवारे काबा मुस्कुराई ताकि पता चल जाए ये घर और घरों जैसा नहीं है। जैसे अमानत मुस्कुरा के ली थी, वैसे ही मुस्कुरा के रसूल के हवाले किया जा रहा है। पहचाने जब घर और घरों जैसा नहीं तो घर वाले और जैसे कैसे हो सकते हैं?
देखिए घंटे का अगर औसत रखेंगे तो मैं मंजिल की तरफ आ जाऊं, और अगर सुनना चाहें तो मैं डेढ़ घंटा आज पढ़ ही दूं। हर चीज में औसत निकाला जाता, आज के जमाने में एवरेज निकाला जाता। चार की खातिर 40 को कुर्बान कर दूं, कुछ तो सोच रहे हैं जल्दी उतरे। अब आपने कह दिया बिस्मिल्लाह तो चार आदमी की खातिर डेढ़ घंटा नहीं, मैं वक्त के अंदर ही खत्म कर रहा हूँ, घबराइए नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हैं पाक और पाकीज़ा हवाले कर दिया मुस्कुराकर। किसके हवाले किया जा रहा है? पैगंबर खुदा के, पैगंबर खुदा के हवाले किया फातिमा बिनत असद ने। बहुत मशहूर सी बात है, जो हजरात जा चुके हैं उन्होंने तो देखा होगा, और जो नहीं जा चुके हैं उन्होंने सुना ही होगा। और हमारे इंडिया में नहीं हो सकता, यहां भी कोई ऐसा मकाम हो जहां पर यह सिफत यह खासियत पाई जाती हो? क्या शहर इलाहाबाद में गंगा और जमुना एक जगह जाके मिल जाती हैं? हिंदुस्तान की मशहूर नदियां गंगा और जमुना इलाहाबाद में जाके मिल जाती हैं। वहां लोग ये भी पहचान लेते हैं कि ये पानी गंगा का है जी, ये पानी जमुना का है। पहचान कैसे लेते हैं? पानी तो पानी है, पानी तो पानी है, पहचान कैसे लेते हैं? पहचान इसलिए लेते हैं कि दोनों की माहियत अलग अलग है। तवज्जो कीजिएगा, दोनों की हकीकत अलग अलग है। अगरचे दोनों पानी हैं, मगर जो कैफियत और हकीकत गंगा के पानी में, वो जमुना के में नहीं। जो रंग रूप गंगा के पानी का है, वो जमुना के पानी का नहीं। और अगर दोनों का रंग एक होता, दोनों की हकीकत एक होती, तो अब दरमियान के फासले खत्म हो जाते। तवज्जो कीजिएगा, दरमियान के फासले खत्म हो जाते, अब पहचानने में दुश्वारी होती कि ये पानी गंगा का है कि जमुना का। नहीं पहुंचे आप, दो नूर नहीं, पांच नूर एक जगह जमा हुए थे, पांच नूर एक जगह जमा हुए थे। अगर अलग अलग होते तो फरिश्ता भी पहचान लेता ये कौन है। सब नूर एक जगह जमा हो गए, फरिश्ता भी कहने लगा या रब्बे वमन तहतल किसा, पालने वाले बता तो सही चादर के नीचे है कौन। अब चूंकि हकीकत एक है, लिहाजा वो ही बता सकता है जिसने इन्हें पैदा किया हो। उसने आवाज दी, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह उम्र भी अच्छी खासी हो गई मेहंदी भाई की, अल्लाह सलामत रखे। देखिए मोहब्बत अहले बैत में इन्हें भी जोश आ गया आज, है आज नारा लगाया। मुझे पता होता था ऐसी मजलिस पहले ही दिन पढ़ देता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। पाक और पाकीज़ा, ताहिर और मुताहर, खुद भी पाक दूसरों को भी पाक करने वाले।
जो इनसे वाबस्ता हो जाए वो पाक हो जाता। सारी कायनात से अफजल वाला, सारी कायनात से बुलंदो बाला, अगर सारी कायनात को एक पल्ले में तराजू के रखा जाए और इनमें से किसी कमसिन बच्चे को दूसरी तरफ मुवाजना करके देखें, सारी कायनात बराबर नहीं हो सकती। ये तो बहुत बुलंद है, ये तो बहुत बुलंद है। मिस्र का सारा खजाना खाली हो गया, इनके पसीने के एक कतरे का मुकाबला ना कर सका, इनके पसीने के एक कतरे का मुकाबला ना कर सका। आप सोचिए ये कितने अफजल आला होंगे, कितने बुलंदो बाला होंगे। क्या ये सोचा जा सकता है कि ऐसा बुलंदो बाला किसी से कुछ मांगे? क्या ये सोचा जा सकता है कि ऐसी बुलंदो बाला जात किसी से कोई सवाल करे? और अगर किसी शय का सवाल करे तो फिर उस शय को सोचिए कितनी बाजमत होगी, कितनी बाजमत होगी वो शय जिसके लिए कायनात का अरफा वाला इंसान सवाल कर रहा हो, बारगाह माबूद में सवाल कर रहा है, माबूद मुझे एक ऐसा बेटा आता फरमा जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए, जिसने कभी किसी से सवाल ही नहीं किया, कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, जिसने हमेशा सबको दिया ही, वो बारगाह खुदा में सवाल कर रहा है, पालने वाले एक ऐसा बेटा आता फरमा जो मेरे हुसैन के काम आए, जो दीन पे कुर्बान हो जाए। एक तमन्ना तो अली की है और एक तमन्ना हुसैन की है। अली बारगाह खुदा में सवाल कर रहे, पालने वाले ऐसा बेटा आता फरमा, और हुसैन सवाल कर रहे, पालने वाले ऐसी बेटी आता फरमा जो मेरे लिए सुकून कल्ब बन जाए, मेरे दिल का सुकून बन जाए। इसीलिए बेटी पैदा हुई तो हुसैन ने सकीना नाम रखा। ये दोनों तमन्नाएं, बाप और बेटे की तमन्नाएं जमा हो गई आकर करबला में, करबला में जमा हो गई। बेटे की तमन्ना बाप की तमन्ना की तरफ हसरत से देख रही, चचा प्यास ने जां बलब कर दिया, चचा अब तो जिगर भुना जाता है। वो अब्बास जो बार बार हुसैन की खिदमत में अर्ज कर रहा है, मेरे आका मुझे मरने की इजाजत दें, भला वो ये जुमले कैसे बर्दाश्त करता? बार बार अब्बास कह रहे हैं मेरे आका मुझे मरने की इजाजत दीजिए, और हुसैन बार बार फरमाते हैं भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलम बरदार हो, अगर किसी लश्कर का अलम गिर जाए तो लश्कर ही खत्म हो जाता है। भैया अगर किसी लश्कर का अलम बरदार शहीद हो जाए तो लश्कर ही खत्म हो जाता है, तुम तो मेरे लश्कर के अलम बरदार हो। बार बार हुसैन रोकते हैं, लेकिन अब भतीजी आकर कह रही है चचा प्यास ने मार डाला, चचा प्यास से जान लबों पे आ गई, अब अब्बास कैसे बर्दाश्त करें? आ गए खिदमत इमाम में, मेरे आका कब तक रोके रहिएगा? हुसैन ने फिर वही जुमला फरमाया, भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलम बरदार हो। हुसैन ने जैसे ही फरमाया, अब्बास अर्ज करते आका वो लश्कर ही कह रहा, वो लश्कर ही कह रहा जिसका मैं अलंबरदार था। अब तो सब शहीद हो चुके, अब तो सब कत्ल हो चुके, असहाब इज्जा अकरुबा सब शहीद हो चुके। हुसैन इजाजत नहीं देते, मगर वो बच्ची अपने खेमे से चलकर फिर बाप के खेमे तक आ गई। बाबा क्या चचा को पानी के लिए न भेजेंगे? चचा क्या पानी लेने के लिए न जाएंगे? हुसैन ने बेकस सकीना का चेहरा देखा,
खामोश रह गए। देख के फरमाते, अच्छा भैया अगर जाना ही चाहते हो तो जाओ, बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। अब्बास खुश हो गए कि जाने की इजाजत मिली, लेकिन अभी दो कदम आगे बढ़े थे, हुसैन ने फरमाया, भैया ठहरो, तलवार लेके न जाना, तलवार लेके न जाना। अब्बास से तलवार लेके रख दी। और अब दो लफ्जों में एक बात अर्ज करूं, अगरचे मैंने किसी किताब में नहीं देखा मगर बुजुर्गों से सुना, उलमा से सुना, कि जब अबुल फजल अब्बास चलने लगे तो चलते हुए अब्बास को फिर हुसैन ने रोका और रोक के फरमाया, भैया रुको, जरा आलम को नीचे झुका लो। अब्बास ने आलम झुकाया, हुसैन ने कुछ लिखा कुछ मिटाया। ज़ैनब दरे खैमा से देख रही, पलट के पूछा, भैया क्या लिखा और क्या मिटा दिया? कहा, बहन तुम्हें मालूम है इस अलम पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, मैंने उसे मिटा दिया। कहा, क्या लिखा? कहा, लिख दिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुकुम अल्लाह, भैया ये क्यों लिख दिया? कहा, बहन ज़ैनब मेरा भैया अब्बास जा रहा है, वापस नहीं आएगा। अजरुकुम अल्लाह, आज़ादारो, अब्बास चले बच्ची की सूखी हुई मश्क लेकर दरिया की तरफ बढ़े, जाके ललकारे, पुकारा, पेशारे साथ, कहां है वो तेरा बुज़दिल लश्कर? कोई है जो हमें घाट से रोक सके? कोई है जो हमें दरिया से रोक सके? देख अली का शेर दरिया पे आ रहा है। रजस पढ़ते हुए दरिया की तरफ बढ़े, पहुंचे, फुरात में घोड़े को दाखिल किया, मशकीजा भरा, भर के फरमाया, घोड़े मैं जानता हूं तू भी भूखा और प्यासा है, पानी पी ले। मगर घोड़े ने भी सर हिला दिया, किस मुंह से पानी पीऊं, अभी तो अतफाले हुसैन भूखे और प्यासे। अब्बास ने एक चुल्लू पानी हाथ में लिया, यही वो हकीर पानी है जो अतफाले हुसैन को न मिला, ये कहकर फेंक दिया। गैरत अब्बास ने गवारा न किया, शायद खिदमत आका में पहुंचूं तो मेरे हाथ में पानी की नमी हो, इसलिए तय कर लिया ये हाथ अब जिस्म पे ना रहेगा, हुसैन की खिदमत में पहुंचूंगा तो बगैर हाथों के। फुरात से पानी मश्क में भर के चले, उधर पिसरे साथ पुकारा, खबरदार खयाम हुसैनी तक पानी ना पहुंचने पाए, अगर पानी पहुंच गया तो जंग की सूरत हाल दूसरी होगी। चारों तरफ से दुश्मनों ने हमले शुरू किए, अबुल फजल अब्बास खैमागाह की तरफ बढ़ते चले जा रहे, आवाज देते, मेरे घोड़े मुझे तेजी से सकीना तक पहुंचा दे, मुझे तेजी से हुसैन के खेमे तक पहुंचा दे, बस इतनी हसरत है पानी सकीना तक पहुंचा दो। अजरुकुम अल्लाह, इसी आलम में दाहिना हाथ कटा हुआ, सोचिए तो सही अब्बास के दिल पे क्या गुजर गई होगी। मगर अजीजो, फिर भी अब्बास खेमे की तरफ बढ़ते चले जा रहे, बायां हाथ कलम हो गया, अलम हुसैनी ठंडा हो गया, अब्बास का कस्द अब भी सुए खेमा गाय, मश्क को दांतों में दबाए हुए शेर खेमे की तरफ बढ़ रहा है, मगर अचानक एक तीर मश्क सकीना पे आके लगा, मश्क का पानी नहीं, अब्बास की आरजुएं खत्म हो गईं, अब खेमे में जाके क्या करूंगा, बजाय खेमा गा के फुरात का रुख वापस कर लिया, घोड़े मुझे अब फुरात की तरफ लेके चल। सर पे गुर्जे गरा लगा, पुकारे, मेरे आका, गुलाम का आखिरी सलाम सुनेंगे? भाई के होने से एक भाई की कमर बड़ी मजबूत रहती है, एक भाई भाई का कुव्वत बाजू होता है,
हुसैन ने किसी की शहादत पर ये मर्सिया ना पढ़ा। अब्बास शहीद हुए, कमर पकड़ के रह गए, भैया मेरी कमर टूट गई, भैया मेरी कमर टूट गई। अजरो कमल अल्लाह, बस हजादारो, खत्म किया मैंने मजलिस को, चंद मिनट के लिए और सुन लीजिए। अब्बास पुकारते हैं, मेरे आका गुलाम की खबर लीजिए। हुसैन चले, अली अकबर से फरमाया, बेटा हमसे चला नहीं जाता, भाई के मरने से कमर टूट गई, हमसे चला नहीं जाता, जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ के देखो मेरे भाई पे क्या गुजरी। हुसैन और अली अकबर मख्तल की तरफ बढ़े, फुरात की तरफ गए। रावी कहता कि रास्ते में कुछ झुक झुक के हुसैन ने उठाया, झुक झुक के उठाया, मालूम करने में पता चला कभी अब्बास का दाहिना हाथ उठाते थे, कभी अब्बास का बायां हाथ उठाते थे, और मर्सिया पढ़ते जाते थे, जालिमो अरे तुमने मेरे भाई के हाथों को भी खता कर डाला। अजरो कमल अल्लाह, आजादारो, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हुसैन फुरात पे पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे हैं तो हुसैन के जाने की आहट महसूस हुई, हुसैन के जाने की आहट अब्बास को महसूस हुई। अब्बास ने यह समझा शायद अशकिया आ गए, दूसरे शहदा की तरह मेरा भी सरतन से जुदा करना चाहते हैं। अब्बास ने फौरन एक जुमला कहा, लोगों ठहरो, ठहरो, मेरे आका को आने दो, मैं ये नहीं कहता मेरा सर न काटना, सर काट लेना, मगर मेरे आका को आने दो, मैं चाहता हूं अपने आका का आखिरी दीदार और कर लूं। हुसैन ने सुना, सुन के फरमाया, भैया कोई और नहीं, कोई और नहीं, तेरा मजलूम बेकस भाई हुसैन आया है। आका आपने क्यों सहमत फरमाई? हाँ हाँ भैया, तेरी आवाज सुन के ताबे जब्त न रही। हुसैन भाई के सराहने बैठे, देखा एक आंख में तीर लगा हुआ है, एक आंख में खून भरा हुआ है। अब्बास कोई तमन्ना, कोई आरजू? हाँ आका तमन्ना है। क्या तमन्ना है? का दिल चाहता आपको आखिरी दीदार और कर लूं। अच्छा भाई, फिर क्या दुश्वारी है? कहा आप जानते मेरी एक आंख में तीर, एक आंख में खून भरा है। हुसैन बैठ गए, अपने भाई की आंख से खून साफ किया। हसरत से भाई ने भाई को देखा, भाई भाई को देख रहा था या कुरान इमामत की तिलावत कर रहा था? अब्बास कुरान इमामत की तिलावत कर रहे और हुसैन बैठे हुए कुरान वफा के पास आंसू बहा रहे। ए भैया, अरे जाना तो बाबा से मेरा सलाम कहना, नाना से मेरा सलाम कहना। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, आदादारो। हुसैन कहते, भैया कोई और वसीयत, कोई और तमन्ना? कहां आका, मेरा लाशा खेमे में न ले जाइएगा, मेरा लाशा खेमे में न ले जाइएगा। यहां पर लोग कहते हैं कि शायद अबुल फजल अब्बास ने इसलिए मना किया कि सकीना को क्या मुंह दिखाऊंगा, सकीना को क्या जवाब दूंगा। मैं पूछता हूं, क्या सकीना फिर लाश अब्बास तक ना पहुंची? क्या सकीना शामे गरीबा में लाश अब्बास तक ना गई? नहीं अजीजो, ये वजह ना थी, बल्कि अल्लामा बहरुल उलूम ने लिखा है कि हुसैन से अर्ज किया, मेरे आका मेरा लाशा खेमे में न ले जाइएगा। अच्छा भैया, वजह तो बताओ, किस लिए नहीं ले जाना, किस लिए मना कर रहे हो? आका अगर गुस्ताखी माफ हो,
बेअदबी ना हो तो ये बात अली अकबर से कहूंगा, ये बात अली अकबर से कहूंगा। आप थोड़े से फासले पर तशरीफ रखें, हुसैन पीछे हटे, अली अकबर आगे बढ़े। अब्बास ने फरमाया बेटा अली अकबर और करीब आओ, और करीब आओ, मेरा आका ना सुन ले। कहा हाँ चाचा, कहिए क्या कहना चाहते। कहा बेटा तुम जानते हो अरब का दस्तूर है, जब किसी को ज्यादा रुसवा करना मकसूद होता है तो उसकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। अरे पिसरे साथ से कह दे अब्बास के लाश पे घोड़े दौड़ाना, हुसैन के लाश को पामाल न करना, मगर आजादारो अब्बास की हसरत पूरी ना हो सकी। हाय फातिमा के लाल की बेकसी, लाश पे घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, अली की बेटी फरियाद कर रही थी वाह मुहम्मदा। अजरुकमल अल्लाह आजादारो। अल्लामा बहरुल उलूम लिखते हैं कि अली अकबर ने चचा की वसीयत पे अमल करते हुए पैगाम भेजा कि मेरे चचा की फरमाइश है, लेकिन उसके बावजूद क्या सुलूक किया, लाशे हुसैन को भी पामाल किया और अबुल फजल अब्बास के साथ क्या सुलूक हुआ। अल्लामा बहरुल उलूम कहते कि मैं अपने घर में सोया हुआ था, मैं घर में सोया हुआ था कि आलम रोया में मैंने देखा पानी है कि मजार अबुल फजल अब्बास की तरफ बढ़ा चला जा रहा है, पानी मजार अबुल फजल अब्बास की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। दिल में सोचा कि अब्बास का तो कब्जा ही पानी पर है, लेकिन नहीं, जब बेदार हुआ तो सोचा कि जाके देखूं, देखा तो मुझे खतरा महसूस हुआ ऐसा ना हो कब्र मुबारक को कोई जरर पहुंचे। मैंने मेमार को बुलाया और बुलाने के बाद कब्र मुबारक की दोबारा से तामीर कराई, लेकिन जब तामीर कर रहा था तो इस मेमार ने पूछा अहे अल्लामा बहरुल उलूम अगर इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं। कहा भाई कहो क्या कहना चाहते हो। कहा मैंने तो ये सुना है कि अब्बास जब घोड़े पर बैठते थे तो निशाने कदम जमीन पे होते थे। मेरे आका इतने कदो कामत का आदमी हो उसकी ये छोटी सी कब्र क्यों है, उसकी ये छोटी सी कब्र क्यों है। अरे मेरा तो तसव्वुर ये था कि अब्बास की बहुत बड़ी कब्र होगी, ये कब्र छोटी सी क्यों है। अल्लामा बहरुल उलूम कहते भाई तूने मेरे दिल को दुखा दिया, तूने मेरा दिल तड़पा दिया। अरे क्या सवाल कर लिया। कहा क्या गुस्ताखी हो गई। कहा कि ये तो बता दीजिए ये इतनी छोटी सी कब्र क्यों है। कहा कि सुनेगा जब मेरे शहजादे अली अकबर ने पैगाम दे दिया तो शहादत अब्बास के बाद फौजे अश्कियाई कतलू हो इरबन इरबा, अरे अब्बास का जिस्म तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर डाला। हाय मेरा अब्बास, अरे ऐसा भी जिस्म न रह गया था जैसे किसी आम आदमी का हो, बल्कि टुकड़ों में तकसीम होके रह गया। अजरुकुमल अल्लाह। इसीलिए सैयदुस साजिदीन ने जब आके दफन किया है तो एक हसीर एक चटाई पे रख के चचा की लाश को दफन किया, जमा करते जाते थे, मरसिया पढ़ते जाते थे। हाय मेरा चचा अब्बास, हाय मेरा चचा अब्बास। अजरुकुमल अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अजादारो उस सैयदा को पुरसा दे लीजिए, उस फातिमा को पुरसा दे लीजिए जो अब्बास के गम में हाय मेरा लाल कह के आंसू बहा रही, हाय मेरा लाल कह के आंसू बहा रही है। आपको सबको इंतजार रहता है ना 8 मुहर्रम का, मौला की हाजिरी होगी, मौला की नजर होगी, मौला के गम में आंसू बहाएंगे। क्या आप ही को इंतजार रहता है,
क्या आप ही को अब्बास का इंतजार है? अरे क्या सकीना को अब्बास का इंतजार ना था? हुसैन और अली अकबर लाश अब्बास से खैमागाह की तरफ आए, अलम को अब्बास, अलम अब्बास को अली अकबर ने उठाया, बच्चों को सकीना ने जमा किया। आओ बच्चों आओ, मेरे चचा आ रहे हैं, अलम लेके आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं। बच्चों को जमा किया, ए बच्चों कूजे लेके आओ, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखा, अलम तो है मगर अलमदार नजर ना आया। अली अकबर खून में डूबा अलम लेके आए, हुसैन कमर पकड़े हुए मरसिया पढ़ते आए, ए बेटी सकीना अरे तेरा चचा फुरात पे मारा गया। बच्चों के हाथों में खाली कूजे रह गए, ज़ैनब तड़पती रह गई, रबाब ने मातम किया, लैला ने सीना पीटा, उम्मे फरवा ने आंसू बहाए, हुसैन ने आवाज दी वाह मोहम्मदा, ज़ैनब ने आवाज दी वाह लिया। وَسَيَ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلَبِينَ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ خدایا تجھے ابو الفضل العباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، معبود سکینہ شہزادی کے سوکھے گلے کا واسطہ، معبود علی اصغر کے سوکھے لبوں کا واسطہ، ہم سب پہ رحم و کرم فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں، سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے ابو الفضل العباس بغیر ہاتھوں کے دینے والے، اے باب الحوائج ہماری مرادوں کو پورا فرما، تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ، اے ابو الفضل العباس زینب کی بے رضائی کا واسطہ، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرما، ہمیں آپ کے غلاموں